दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। देखो मेरे ससुराल का मसला है, अगर वहाँ पे किसी को मालूम हो गया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी हानिया। मैं तंग आ गई हूँ ये सब सुन सुनकर। मेरा और जोया का अब किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे भी नहीं। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी लड़कियों पर जो दूसरों के शोहरों पर अपनी नजर रखती हैं। यही लानत अपनी अम्मी को नहीं देती तो दनियाल बेशरम बेगैरत। काश के तेरी औकात देख कर मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे की होती। कुछ ठीक नहीं है साहिर, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी बेटी को तलाक हो गई। क्या फातिमा को तलाक? खुदा के लिए हशमत, प्लीज आप हौसले से काम लें। शायद उन दोनों का साथ बस इतना ही लिखा था नसीब में। ये नसीब हमेशा बेटियों पर ही वार क्यों करता है? बेटियों पर ही दाग क्यों लगाता है? उसकी बेटी को तलाक हो गई, उस लड़की को तलाक हो गई, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है हशम, नुकसान तो बेटी हो या बेटा दोनों का ही होता है। अगर आपको लगता है कि दानियाल ने किसी और की खातिर फातिमा पे ये जुल्म किया तो ऐसा नहीं है। सायरा ने उस घर में क्या हालात पैदा कर रखे थे आपने खुद देखा था। आप आलिया से पूछें, राफेल से पूछें, फातिमा वहां किसी को खाते में नहीं लाती थी। किसी का अदब, किसी का लिहाज नहीं था। बच्ची रिश्तों का एहतराम नहीं करती थी। हशमत आप खुद बताएं, क्या घर ऐसे बसते? मुझे फातिमा से मिलना, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। मैंने हमेशा राफेल आलिया से ज्यादा प्यार दिया है, उसे उसके बाप से ज्यादा मोहब्बत दी है, वलीद से भी ज्यादा। ठीक है, हम जरूर चलेंगे, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन हशमत प्लीज इस वक्त आप अपने आप को संभालें। तुम फिलहाल मुझे अकेला छोड़। चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता, हिम्मत करते हैं ना। वलीद, आपने क्यों हुमैरा की खातिर मेरी बेटी को कुर्बान कर दी? कुछ भी ना पूछो कि उन लड़कों का हसब नसब क्या था, खानदान क्या था, बाप कौन था उनका। परवरिश तो मैंने ही की थी, लेकिन शायद मैं ये भूल गया था कि खून का असर हमेशा रहता है। मुनसिफ अगर डाकू का बेटा भी पालेगा ना तो वो बेटा बड़ा होकर डाकू बनेगा, मुनसिफ नहीं। उनका असर कभी नहीं जाता। क्यों कि आपने अपने ले पालक से मेरी बेटी की शादी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब राहील आलिया को और फातिमा दानियाल को जाने लगी। मैं तो जब भी फातिमा को देखता था दिल में एक कसक सी उठती थी कि मेरी फातिमा मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी होती। जुल्म तो तुम्हारे भाई ने किया मेरे साथ, मेरी शिनाख्त को फातिमा से छुपा। हाशमत भाई तो शुरू से अच्छा हुआ तुम्हारी जान छूट गई। आप अब्बू को इल्जाम दे रही है? अब्बू को? मुझे लूटने वाली तो आपकी अपनी बेटी है। आनिया का कसूर नहीं है बेटा, मैं खुद चाहती थी कि हानिया और दानियाल की शादी हो जाए। तब तक तो मैं यही समझ रही थी कि दानियाल वलीद का सगा बेटा है। हानिया भी दानियाल को चाहती थी। दानियाल ने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ वलीद और हुमैरा की वजह से की है। हानिया तो खुद अपना रिश्ता ढूंढने के लिए कोशिश करती रही, सिर्फ इसलिए कि दानियाल उसका पीछा छोड़ दे। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी टैलेंटेड लड़की हर मिलने जुलने वाले से अपने रिश्ते का खुद क्यों कहेगी? वो तो तहमीना को भी दिन रात मजबूर करती रही कि वो कोई रिश्ता देखे उसके लिए। सिर्फ इसलिए कि तानिया पीछे हट जाए। मैं चाहती हूँ न्यूज आएगी कि हानिया और दानियाल की शादी होगी। देखना, पता है मुझे। तुम खुद को अलखान मत करो। अच्छा हो गया तुम्हारी जान छूट गई। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं। और वलीद, आप ही अपना ख्याल रखिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। किस चीज की कमी है हमारी फातिमा? अल्लाह ने चाहा तो कोई और। चलो। नहीं, चली जाऊंगी मैं। आप बैठे अब्बू के पास, दुआ है मेरी आनिया को, उसने मेरे साथ जो किया है ना, उसके साथ भी यही होगा। देख लेना। मैं कभी माफ नहीं करूंगा आनिया और दानियाल को। खुद को संभाले वलीद, पहले ही आपके ऑपरेशन के जख्म अभी ठीक नहीं हुए, ऊपर से ये दुख। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। आप ज्यादा परेशान ना हो, अब आपके साथ मैं हूं। मैं हुमैरा की तरह मतलबी और खुदगर्ज नहीं। मैं कॉफी लेके आई। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी लड़कियों पर जो दूसरों के शोहरों पर अपनी नजर रखती हैं। यही लानत अपनी अम्मी को नहीं देती तो कन्याल। शर्म, बेगैरत। काश के तेरी औकात देख कर मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे की होती। मुझे मेरी औकात याद दिलाएंगे तो आज मैं सबके सामने आपकी लाडली बेटी की औकात आपको याद दिलाता हूं। मैं आज आप सबके सामने फातिमा तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं नहीं दानियाल बेटा नहीं, प्लीज नहीं होता क्या। फातिमा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। दानियाल बेटा प्लीज। वली वली रोके इसे वली। फातिमा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। प्लीज पानी तो पी। नहीं चाहिए राही। नहीं आपको माइग्रेन है, आप प्लीज पानी तो पी लेना। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है कि क्या है ये, क्या हो गया। अमीन मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके हालात से गुजर रहे, लेकिन जिस तरह कमान से निकला हो तीर वापस नहीं जा सकता, उसी तरह जुबान से निकले हुए ये तीन अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते। देखिए अब जो होना था हो चुका है, हमें हालात से समझौता करना होगा। समझौता तुम कर सकते हो, समझौता मैं नहीं कर सकती। क्यों लेके आ गए मुझे मैंने घर से? वो तो सिर्फ इसलिए लेकर आए थे ताकि समझौते की कोई एक सूरत निकल आए, ताकि अब्बू को ये एहसास हो जाए कि आप बेकसूर थी, गलती चाहे भाई की हो, भाभी की हो या खुद अब्बू की। अब्बू को इस चीज का एहसास हो, देखना वो आपको जरूर बुलाएंगे, वो आपको खुद लेने आएंगे। सिर्फ इसलिए लेकर आया था क्योंकि अगर आप बाहर रहती तो शायद ये इस तरह की कोई सूरत ना बन पाती। दानियाल कहाँ है, कुछ पता चला उसका? मैं देखता हूँ दानियाल का। कैसे कैसे दानियाल दिए दानियाल को। अम्मी जिस बाप के सामने उसकी बेटी को तलाक दे दी जाए वो कुछ ऐसा ही करेगा। आलिया प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करना, आखिर वही हो गया जो तुम चाहती थी। वो कयामत सिर्फ मुझ पे नहीं टूटी, मेरे घर पे टूटी। अभी कुछ नहीं हुआ। तायमी, आप भी मुझे जिम्मेदार समझती हैं सबका? कुछ समझ में नहीं। तिनका करके जो मैंने आशियाना बनाया था वो जल के राख हो। दुआएं दुआएं मेरे चारों तरफ। प्लीज हौसला करें। आनिया मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गया, मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गया। अच्छा मैं प्लीज रोना तो अब थोड़ा सा पानी पी, थोड़ा सा पानी। वलीद, आज आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी पीनी पड़ेगी क्योंकि सब मुलाजमीन को मैंने छुट्टी पे भेज दिया। अगर क्यों? घर के इतने मसले हैं, नई नई शादी के मुलाजमत तक बात पहुंचे। कल तक ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। किस किस को छुट्टी दोगी, किस किस से छुपाओगी? क्या करूं मरीज, मेरी एक बेटी मसलूम है, दूसरी साल। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, आज पलट कर मेरी बेटी के सामने। मुझे माफ कर दो सायरा, मुझे माफ कर दो। जो मेरा नसीब वही मेरी बेटी का नसीब। लेकिन वलीद पता है फर्क क्या है? मैं गरीब माँ की बेटी थी, मेरा बाप नहीं था। जब आपने मेरे किरदार पे इल्जाम लगा के मुझे भेजा, तो मेरे भाई और माँ ने यकीन किया। आत्मा का ही नसीब नहीं, आत्मा की माँ भी है और बाप भी। हम दोनों कोशिश करेंगे उसको इन लम्हात से निकालने के लिए, करेंगे ना? लेकिन मेरी बेटी, बेटियां बड़े नसीब वाली होती हैं, बड़ी से पूरी क़यामत से लड़ जाती, जिनके कांधों पे उनके बाप का हाथ होता है। फातिमा को दुख की इस कैफियत से निकालना है ना, तो पहले अपने आप को इस काम से निकालो। ठीक कह रही हो। मैं अपने गम को अपने सीने में दफना लूंगा और अपनी बेटी के लिए मुस्कुरा भी लूंगा। कॉफी ठंडी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, उसको सीने से कैसे लगाऊं बेटा, कैसे लगाऊं? पूरी दुनिया तुम्हें इल्जाम दे रही है, लेकिन हकीकत तो मैं जानता हूं बेटा। फातिमा और दानियाल का घर सारा ने बर्बाद कर दिया बेटा। पहले हमारी जिंदगी बर्बाद की, अब नस्लें बर्बाद कर रही है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके सामने जाती उसकी आंखों में शक नजर आता है। नहीं बेटा, नहीं। मैं जितना परेशान फातिमा के लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए भी हूं बेटा। सायरा ने तुम दोनों का घर बर्बाद किया बेटा। तुम दोनों की जिंदगियों में जहर उसी ने खोला है बेटा। और वलीद ने इतनी वफादार बीवी को छोड़कर, वो किस तरह इतनी खुदगर्ज औरत के पीछे दोबारा जा सकता है बेटा? वो औरत जिसने फातिमा की आगोश छीनी बेटा, अपने बाप की शफकत छीनी बेटा। सारा ने तो अपना इंतकाम ले लिया बेटा, और वो इसी तरह लेती है। लेकिन फातिमा ऐसी नहीं थी बेटा, फातिमा भी वैसी निकली। फातिमा ऐसी नहीं, आपने सारी जिंदगी उसको दिल से बाप का प्यार दिया है, पर आप उसके बाप नहीं है। मामी जान बहुत अच्छी माँ है, पर उसकी हकीकी माँ तो नहीं। इसी बात ने उसको बदल के रख दिया है। वो बाकी हो गई है सच सुनकर। वो फातिमा सबको इतना प्यार करने वाली, इतनी भोली, किसी की अहमियत ही नहीं है उसके नजदीक। तुम ठीक कह रही हो बेटा, काश कि हर माँ बाप अपना घर तोड़ने से पहले एक बार ये सोच ले कि उनके बच्चों का घर कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। वो हमेशा बेटा इसी तरह टूटी फूटी जिंदगी गुजारते रहेंगे। मेरी फातिमा का घर कभी नहीं जुड़ सकता। उसकी जिंदगी ऐसी रहेगी। क्या कर रही हैं आप अम्मी? कल रात को भी आप इतनी देर से घर आई थी, अब आप फिर जा रही हैं तैयार होके? बेटी तकलीफ में हो तो माँ उसके पास क्यों ना जाए? अम्मी आपको पता है ना कि आप सलीम साहब की इजाजत के बगैर ये सब कुछ कर रही हैं। उनको पता लगा तो उनको बुरा भी लग सकता है, कुछ तो ख्याल कर लें। और ये रोज तायब्बू के घर जाना बस कर दें अम्मी प्लीज। तुम अपना लेक्चर देना बंद क्यों नहीं कर सकती? 2 दिन नहीं हुए मुझे तुम्हारी तरफ आए हुए, तुमने नसीहतें शुरू कर दी। अम्मी आप देख लिया, आप बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं। आप तैयार हैं आंटी? हाँ मैं तैयार होकर, लेकिन अपनी बीवी से कौन नसीहतें करनी बंद करे। बताओ इसे कि तुम्हारे काम से जा रहे। इसे करने दें नसीहतें। आप तैयार हैं, आप चलें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। शहजाद आपका कौन सा काम है? जो भी काम है आंटी को जाने दो, तुम्हें वैसे भी 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। और मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हें हर बात पे एतराज क्यों होता है। आंटी वलीद अंकल से छुपके नहीं मिलती। वलीद अंकल मैरिड हैं, उनके बेटे हैं और उनके बेटे की भी बीवियां हैं। शहजाद उस घर में अब कोई नहीं रहता, सिर्फ तायब्बू और फातिमा है। उजड़ चुका है वो घर। जाए आप, लेकिन आइंदा यहाँ पे मत लौट कर आइएगा। देख रहे हो शहजाद, ये औलाद है मेरी जो मुझे बार-बार ताने देती है दूसरी शादी करने के लिए। अब ऐसी औलाद हो तो बंदा क्या करे? आप परेशान ना हो, आप चले मेरे साथ, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। बार बार औलाद के ताने बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। फिक्र नहीं करो, तुम्हारा काम मैं करती हूँ। चलो ठीक है। ये तुम्हारा वॉलेट ये कहाँ था? पता नहीं, इधर ही था। और ये फाइल्स? हाँ, ये तान्याल भाई की अम्मी की और तुम्हारी फाइल। तो ये तुम क्यों लेकर आई? ये तो वो फाइल्स हैं जो अब्बू ने बिजनेस और प्रॉपर्टी हमारे नाम किया। हाँ, तो इसीलिए लेकर आई हूँ ना। मुझे नहीं चाहिए सर। राहेल बेटा, घर का क्या हुआ? जी अम्मी, बस जा रहा हूँ देखने। ये क्या है? ये तो मेरी और दानियाल की फाइल है। हाँ जी, वो आलिया के सामान में गलती से आ गई थी। नहीं, ये मैं वलीद को वापस कर दूंगी। लेकिन अम्मी, आप क्यों वापस करेंगी? आपका हक है इस पे। जब वलीद पे हमारा कोई हक नहीं रहा तो उनकी जायदाद और बिजनेस पे हमारा क्या हक? ये मैं वलीद को वापस कर दूंगी। लेकिन अम्मी, वापस कर दें। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। राहील तो अपनी गाड़ी तक वहां छोड़ आए हैं। अल्लाह मालिक है, दोनों भाई मेहनत करके कुछ मजदूरी कर लेंगे। अगर अम्मी, राहील बेटा, किराएदारों से कह दो कि हमारा एक पोर्शन खाली कर दे घर का। हम आज ही शिफ्ट होंगे। जी अम्मी, मैं जाता हूँ और बात करके आता हूँ। मामा, राहील और अम्मी की तो खुददारी खत्म होने पे नहीं आती। जो कुछ उनके नाम हो गया था, वापस करने की क्या जरूरत थी? राहील का कुछ अपना भी है या सारा वलीद भाई का दिया हुआ था? अपना क्या होगा, ये सारे ऐशो आराम ने अब्बू के दिए हुए। जिंदगी इन लड़कों ने बेवकूफियों में गुजार दी। हुमैरा को ही थोड़ा शऊर रखना चाहिए था ना। बाप अपना ही होता है। बेटों को समझाती कि छोटा मोटा बिजनेस ही स्टार्ट करके रखे। हम, आप क्या होगा, कहाँ जाके रहेंगे? अम्मी बता रही थी कि उनका कोई पुराना घर है, कोई छोटा सा। हम, आप, मुझे वहां जाके रहना पड़ेगा। तुम्हारा ही फैसला था ना, तो अब चुपचाप गुजारा करो। तुम्हारे बाबा अब और कोई मजीद टेंशन नहीं ले सकते। वैसे ही वो फातिमा को लेके बहुत परेशान है, बार बार कहते हैं उससे मिलना है। मुझे पता होता ना इस फैमिली की ये स्टोरी है, मैं कभी इन्वॉल्व ही ना होती। मैं क्या करूँ? आपी, 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 क्या बात है? आपका फोन बज रहा है कब से, लेकिन आपको तो बहुत तेज बुखार है। होने दो बुखार, फोन दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी कमाल साहब। क्या? एक से ये आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू। अच्छा नहीं, मैं देख लेती हूँ। जी ओके, आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम वकील से बात करो। ये तायाब थे ना? हाँ। क्या कह रहे थे वो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? काम पे आने से रोक रहे हैं, ऑफिस आने से मना कर दिया, मतलब जॉब से ही निकाल दिया। मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूँ। एक सेकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आप अभी मिल सकते हैं मुझसे? जी घर आ जाए, मैं अभी घर पे हूँ। ओके, मैं इंतज़ार करी। ओके शुक्रिया, खुदा हाफिज। सोया शरीफा से कहूँ मेरा नाश्ता बना दें। ठीक है, मैं नाश्ते का बोलती हूँ, फिर आप मेरी मेडिसिन भी लेंगे। ठीक है। हाँ। ताया आपू मुझे जॉब से तो अलग कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस? आपके लिए सूप, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। वो मेरे जैसा तो नहीं है, लेकिन बहुत दिल से बनाया है। ये सूप भी फातिमा का है। वो शायद अपने कमरे में, अभी तो आप मेरे हाथ से भी। मेरा की एक आदत बहुत अच्छी थी, जब भी मेरी तबीयत जरा सी भी खराब हो जाती थी, वो मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दुआ है कि वो वक्त जल्दी आए। तुम हानिया से मिली? नहीं, मैंने तो खुद को सौलिया के घर छुपा रखा है। हानिया को तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर। फलीद, अब तो सौलिया ने भी मना कर दिया, उसने कहा कि अगर मैं आपसे मिली तो उसके घर मत आऊं। क्या सौलिया को क्या हो गया? आपने शहजाद पे मेहरबानी की, उसे दुकान खोल के दी। अब शहजाद ये चाहता है कि आप उसे अपना ब्रांड नेम यूज़ करने दें। किसी पॉश इलाके में उसे बुटीक खोलने का मौका मिल जाएगा तो उसके हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तुम्हें याद है डिफेंस के एक मॉल में हाजरा सियान की एक फ्रेंचाइज जो बाबा ने जैद के नाम कर दी थी? जैद के हिस्से से जैद की बेटियों को कब कुछ मिला? बड़ी तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई का हक मार सकता हूँ? कभी नहीं। मैं जैद की बेटियों का हक उन्हें दे चुका हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप फरीद? शहजाद अगर किसी पोच एरिया में फ्रेंचाइज खोलना चाहता है तो तुम सालिया से बात करो, क्योंकि वो फ्रेंचाइज आज भी सालिया की मलकियत है। मेरे बिजनेस में 3 नए पार्टनर्स के शेयर्स हैं जिन्हें हानिया चला रही है, लेकिन वो खुद को अभी तक एम्प्लॉय जाहिर करती, लेकिन आज मैंने अनिया को फायर कर दिया है और आज ही उसे ऑफिशियली नोटिस भी मिल जाएगा। हाँ, अच्छा किया आपने। हानिया मालिक बनके खुद को मुलाजमा जाहिर कर रही। कितनी बेईमान है मेरी बेटियां, सब कुछ खा के हजम करना चाहती हैं। क्या सोच रही हो सारा? कुछ नहीं, आप सूप लेना, मैं फातिमा को देख के आती हूँ।